हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक करंट टॉपिक है G20 समिट। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो G20 समिट है वो न्यू दिल्ली में इस बार जो है वो होस्ट किया जा रहा है। तो G20 क्या है, G20 कब बना, G20 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी, और किस कंट्री का जो है वो क्या रोल रहता है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ कहा जाता है इसको, G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। 20 मतलब जो 19 हैं वो कंट्रीज़ हैं, प्लस 1 जो एक है वो हमारा यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में भी जानेंगे हम, अफ्रीकन यूनियन को भी। हमने आज सुबह की जो न्यूज़ है वो ये कहा गया है कि G20 का एक ये भी एक मेंबर रहेगी अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह भी देखेंगे, बट उससे पहले हम जानेंगे कि G20 जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है जी। तो देखिए, इकोनॉमिक लेवल पे एक कॉपरेशन करना, एक इकोनॉमिक लेवल या सोशली डेवलपमेंट करनी है किसी भी कंट्री को, तो कहीं ना कहीं हमें एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेशन होती है वो एक दूसरे देश से कैसे की जाए, एक वार्तालाप, एक डायलॉग सेट किया जाए, कन्वर्सेशन के थ्रू किया जाए, उसी के लिए हम एक G7 ग्रुप, जानते होंगे आप, G7 ग्रुप बना था, ठीक है। और G7 ग्रुप की आज भी कंट्रीज G7 ही हैं। ये कभी G8 भी हुआ था, रशिया को इसमें ऐड किया गया था, बट 2014 में जो है इसको फिर से निकाल दिया गया था, रशिया को यहाँ से इसके मेंबरशिप से हटा दिया गया था। अब वो क्यों हुआ था, क्योंकि वो एक यूक्रेन का जो क्रीमिया का जो पोर्शन है उसको हथियाने के ऊपर, जो उस पर अटैक किया गया था क्रीमिया के ऊपर, उस टाइम पे ये हुआ था। तो मगर G7 की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं तो वो भी पता होने चाहिए हमें, मैं क्योंकि G7 की जो स्थापना है वो पहले हुई थी G20 से। तो G7 जो है वो हमारा, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो एक तो आता है USA, दूसरी है UK, ठीक है जी, USA, UK, चाइना, जापान, ठीक है, कनाडा, USA, UK, चाइना, जापान, कनाडा, ये हैं हमारी 5 कंट्रीज, USA, UK, चाइना, जापान, कनाडा। इसके अलावा 2 यूरोपियन कंट्रीज़ और भी हैं, फ्रांस और इटली, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब जो है वो इसको ऐड किया गया था रशिया को, तो वो बाद में ऐड किया गया था 1998 में, मगर 2014 में जो है इसको हटा भी दिया गया था वहाँ से, ठीक है। अब ये जो कंट्रीज़ हैं हमारी G7 मतलब 7 कंट्रीज़, USA, UK, ये चाइना, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली, ये सारी हमारी G7 की कंट्रीज़ की मेंबर्स हैं, और ये हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी G20 में भी। तो G20 का बनाने का जो उद्देश्य था 1999 में, इसमें डिवेल्प्ड प्लस जो डिवेल्पिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी शामिल कर लिया गया। वैसे देखा जाए तो G7 कंट्रीज़ में जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ ही हैं, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है जी, ये सारी हमारी G7 में डेवलप्ड कंट्रीज़ ही हैं, मगर डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया गया, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो हमारी ये देखने को मिली हमें G20 में। अब G20 के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो काफ़ी, क्योंकि न्यूज़ में अभी यही है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आ सकता है हमें कि कौन सा मेंबर नहीं है और कौन सा है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से मेंबर्स हैं। तो देखिए, एक इसके लिए ट्रिक है, गुरु जी सीता अब SSC FCI में काम करती है, ठीक है जी। तो ये जो इंग्लिश के जो लेटर हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे ही एक तरह से इसकी कंट्रीज़ के नाम से हमने रिलेट किया है इसको, और काम करती है तो ये तो हमारा एक तरह से हमें इसका फ्रेज पूरा करने के लिए लिखा गया है। तो जी से है जर्मनी, ठीक है, जी से है जर्मनी, यू से है
यूके, यूनाइटेड किंगडम, आर से है रशिया, यू से है यूएसए, ठीक है, तो ये चार हो गए गुरु से, ठीक है जी। जे से है जापान, आई से है इंडिया, एस से है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, इस आई से इंडोनेशिया, ठीक है, टी से टर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट ए जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब, ठीक है, तो ये जो ए है इसको इस तरह से बेटर रहेगा, ठीक है जी। ये ऊपर की जो गुरु जी सीता, ये लिख दिया मैंने ऊपर, अब आएगा अब, ठीक है। ए से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, बी से है ब्राज़ील, एस एस सी, एस से है, देखिए एस तीन है, सऊदी अरेबिया हो गया है, अब ये साउथ कोरिया है जिसको हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जैसे कि हमें पता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दो कंट्रीज़ हैं अलग अलग, तो साउथ कोरिया जिसको हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं वो भी इसका मेंबर है, ठीक है। और ये सऊदी अरेबिया है, ये साउथ कोरिया है, और फिर आता है तीसरा साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये तीसरा एस से है साउथ अफ्रीका, सी से है चाइना, ठीक है जी। नेक्स्ट है एफ सी आई, एफ जो है वो हमारा फ्रांस, सी नेक्स्ट है कनाडा, आई से लास्ट में आएगा इटली, तो तीन ही आई हैं, तो इंडिया, इंडोनेशिया और इटली, ठीक है। और मे से बनेगा मैक्सिको, तो ये टोटल हमारी इस तरह से 19 कंट्रीज़ हो जाती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये है हमारी G20 की 19 कंट्रीज़, प्लस है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। जैसे कि हमें पता है यूरोपियन यूनियन का कई बार हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो ये है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में है ये हेडक्वार्टर इसका, कई बार क्वेश्चन पूछा जाए तो पता होना चाहिए हमें कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स है, और ब्रसल्स है बेल्जियम की कैपिटल, बेल्जियम इज़ अ यूरोपियन कंट्री, उसकी राजधानी ब्रसल्स, वहाँ पे है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। इसके अलावा आज हमने सुबह जब ये 9th of September की बात है आज की, तो आज जब ये शुरू हुआ न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे बोला गया कि अब से अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट होगी, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है जी। तो देखिए अफ्रीकन यूनियन जो है इसमें अफ्रीका की सभी कंट्रीज़ हैं, अप्रॉक्सीमेटली जो भी कंट्रीज़ हैं 55 कंट्रीज़, वो सारी ही इसका मेंबर हैं, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट भी पता होनी चाहिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखिए क्यों की गई है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे की हेल्प है, कोई गरीब कंट्री है कोई रिच कंट्री है, तो उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे की हेल्प है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, कोई मिलिट्रिकली है कोई इकोनॉमिकली, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ये देखी जाती हैं। तो अफ्रीकन यूनियन भी बनी थी 2002 में, ताकि जो अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर जो अंडर डिवेल्प्ड हैं, उनको डिवेल्पिंग और डिवेल्प किया जा सके, ठीक है। डिवेल्प करने के लिए तो टाइम लगता है, बट डिवेल्पिंग में आ सकती हैं कुछ कंट्रीज़, और आ रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जो है वो 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये भी इसका पार्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात देखें, तो इसके साथ साथ आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि इस बार का जो ब्रिक्स G20 समिट है वो यहाँ है। कई बार क्वेश्चन आता है कि वो नेक्स्ट कहाँ होगा, ठीक है। तो 2024 का जो G20 समिट होगा वो होगा ब्राज़ील में, ठीक है जी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और 2025 का G20 समिट होगा साउथ अफ्रीका में, तो ये भी दोनों आपने याद रखने हैं,
हो सकता है कहीं पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। और पहला जो इस पे हुआ था तो 2008 से ये सबमिट हो रहे हैं, तो 2008 में जो हुआ था पहला इसका यूएसए में हुआ था, ठीक है। और जो फिर से जैसे ब्राज़ील में हो जाएगा 2024 में, साउथ अफ्रीका में हो जाएगा 2025 में, तो उसके बाद फिर से जो है वो सबमिट इसके यूएसए से फिर से उसी वाइज जो है सीरीज़ वाइज चलेंगे। तो इंडिया का कहा जाता है कि इंडिया का जो नंबर है फिर से आएगा कभी 2042 के आसपास, ठीक है, 2042 मतलब 2042 ईयर में फिर से इंडिया इसको होस्ट करने का मतलब टाइम मिलेगा इसको 19 साल बाद, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो है वो पता होना चाहिए हमें G20 के बारे में, दिस इज़ ऑल अबाउट G20, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है दिल्ली में, तो ये प्रगति मैदान जो है जहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई गई है नया, जिसका नाम है भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम, ठीक है, कहाँ है ये दिल्ली के प्रगति मैदान में, ठीक है, तो भारत मंडपम वहाँ पर ये हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ कि ब्रिक्स का समिट कहाँ हुआ, ठीक है, और उसको जो है वो अभी न्यूज़ में आया था कि ब्रिक्स में जो है वो 6 कंट्रीज़, वैसे अभी तो 5 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया, क्यों ये बना, ठीक है, और 6 नई कंट्रीज़ जो हैं वो कब बनेंगी, मतलब कौन कौन सी हैं और क्यों उनको ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो टोटल 11 मेंबर्स हो जाएंगे ब्रिक्स के, वो 6 कंट्रीज़ कौन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।